नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। और आज हम आपको इंडियन नेवी की बहुत ही अच्छी और इतनी ऐसी खबर है दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे इस बात को सुनकर। ठीक है, वैसे दोस्तों आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता होगा क्योंकि इधर उधर से पता चल गया होगा, लेकिन जो जानकारी मैं बता रहा हूँ उस जगह से आप में से ओनली 1 या 2% कैंडिडेट ने ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले सुन लीजिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है कि इंडियन नेवी MR 2021 ये भर्ती है। ठीक है, जिसके फॉर्म भरे गए थे, आपसे कोई भी फीस नहीं ली गई थी, पहली बात। ठीक है, और दोस्तों ये भर्ती आपकी मेरिट के बेस पर होने वाली है, 100% आपकी मेरिट के बेस पर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आपने जो ये जो चीज हम आपको बताएंगे वो अगर आपने नहीं की, तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि आपको वहां से भगा दिया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड का कोई मतलब नहीं है, उसको कैंसिल समझो। तो क्या चीज है, मतलब हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो इसमें हमने जैसा कि बोला है कि रिटर्न एग्जाम इस गलती की वजह से एडमिट कार्ड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उस पहले बात को बता देते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी की अभी, क्योंकि आपको और आगे आने वाली बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, आपको जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर दूसरी स्लाइड हमने ओपन करके आपको यहाँ पर दिखा दी है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट अ नेगेटिव RT-PCR लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ COVID-19 फ्रॉम गवर्नमेंट ICMR एक्रेडिटेड लेबोरेटरी बाई कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। और इसमें एक चीज और दे रखी है, रिपोर्ट शुड बी डेटेड मैक्सिमम 72 आवर्स प्रियर टू रिपोर्टिंग डेट। ये क्या है दोस्तों, अगर आपका एग्जाम है तो उससे पहले आपको कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना है और उसकी रिपोर्ट आपको लेके जानी है, ऐसा ही नोटिस में लिखा है। अभी हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी दिखाएंगे ये सारी जानकारी। ठीक है, तो उससे पहले ये सुन लीजिए इसका पूरा मतलब क्या है। आपको रिटन एग्जाम में एक रिपोर्ट लेके जानी है जिसका नाम है RT-PCR की रिपोर्ट, और वो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होगी तो आपको वैसे ही भगा दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें दूसरी चीज और दे रखी है कि वो रिपोर्ट जो है केवल एग्जाम से 72 घंटे पहले की ही होनी चाहिए, मतलब 72 घंटे पहले तक होनी चाहिए, उससे पहले की रिपोर्ट होगी तो वो मान्य नहीं की जाएगी। ये यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है। अगर अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने नोटिस लिया है, इसमें ये सब कुछ आपको दिख रहा है कि 23 जुलाई तक आपके एग्जाम के जो फॉर्म है वो चले थे, और यहाँ पर इट इज मैंडेटरी वाला पूरा नोटिस हमने यहीं से लिया है। ठीक है, तो आपका क्लियर 100% कन्फर्म हो जाता है कि ये आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा अगर आप RT-PCR का जो रिपोर्ट है अगर रिटन एग्जाम में नहीं लेके जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने आपको बताई है। इसके लिए अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, आप कमेंट में लिखना कि आपको इस चीज पहले नहीं पता थी। पहले पता थी तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मतलब कि आप रेगुलरली अपडेट रहते हो। ठीक है, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है जहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, अपनी ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, और जैसा कि आपने को फॉर्म भरा था उसके स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, जो कि शॉर्ट लिस्ट आपको दिखाएगा, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो ग्रीन टिक होके आपका एडमिट कार्ड आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उसको लॉगिन करके हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब आपको पहले से पता होगा, नहीं तो आप किसी भी साइबर कैफे पर जाके एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। ये उसका पूरा प्रोसेस दोस्तों यहाँ तक था। ठीक है, और हमको आशा है आपको ये सारी जानकारी जो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज्यादा अच्छी लगी है तो शेयर करना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है, इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।